प्रथम तहलका न्यूज। पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में भी इसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के हरी विहार का है, जहां कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष चुन्नू राजपूत की टीम ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर अपने वाहनों को सड़कों पर लेटाकर मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मैंने देखा है कि बीजेपी जो भी कहते हैं, हम किसान के पक्ष में बात करते हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में बात करते हैं, ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में बात करते हैं, ना कि छोटे उद्योगपति के बारे में सोचते हैं। ये कहते हैं किसानों के बारे में हमने बहुत सोचा। क्या सोचा? किसानों को डीजल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंजन चलाने के लिए, खेती के लिए, ट्रैक्टर के लिए, अन्यथा काफ़ी चीज़ों के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया आज के दौर में। आप बताइए कहाँ से किसान के साथ दे रही है। इस 3 महीने के लॉकडाउन में फिर भी डीजल इतना महंगा, किसान ने अब खेत कुछ करना सोचा है तो उसमें डीजल बढ़ा दिया। कम से कम उसको किसानों को तो राहत देनी थी, पर नहीं, पेट्रोल से भी महंगा डीजल कर दिया। क्या किसानों से ही पैसा कमाएंगे या जीडीपी ग्रोथ किसानों से बढ़ाएंगे? हमारे जरूरत पेट्रोल डीजल की जरूरत है, ये तो जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे हम और भी प्रदर्शन करेंगे। किसानों के, हम भी किसान हैं, हमें डीजल कम नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? रोड पे आना हमारा मजबूरी है। हम ये चाहते हैं किसान, मोदी सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे डीजल के, पेट्रोल के दाम कम हो, जो किसानों के लिए फायदा हो और जो कि आम लोगों के लिए भी फायदा हो। वही चुन्नू राजपूत ने कहा कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी भाजपा सरकार के राज में हुई है, कांग्रेस के राज में कभी भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। जिस तरीके से आज डीजल और पेट्रोल के दाम हैं, उसको लेकर सरकार को सोचना होगा और डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। देश में लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसका सीधा जो प्रभाव होता है ये गरीब जनता पे पड़ता है, गरीब किसान पे पड़ता है। देश पहले ही कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। इस बुरे समय में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ा रही है, उसके खिलाफ आज का हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि जो पेट्रोल और डीजल के रेट है इनको कम नहीं करती, तो देशव्यापी कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएंगे और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे, जैसे कि आज बल्लभगढ़ यूथ कांग्रेस ने जनता की आवाज़ बुलंद करी है। इस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आज देश बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। इस हालात में किसानों के खिलाफ, देश के जनता के खिलाफ जो आप ये काम कर रहे हैं, आप अपने जनहित नीतियों में सुधार कीजिए और तुरंत प्रभाव से डीजल और पेट्रोल के रेट कम कीजिए, क्योंकि डीजल से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर और किसान प्रभावित होता है। भारत देश किसान प्रधान देश है और अब खरीफ के फसल का समय है। देश के अलग अलग राज्यों में किसान जो है डीजल इंजनों पे निर्भर हैं, तो उन्हें डीजल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। जब सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी प्रदर्शन करती थी, और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुछ भी कहो, कितनी भी राजनीति क्यों ना कर लो, महंगाई की मार तो आम जनता को ही झेलनी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने के बाद पार्टियों को इसका असर नहीं होगा, बल्कि आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ जहां ऑटो बस का किराया बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ सामान पर भी चार्जेज बढ़ जाएंगे और जनता महंगाई की मार में पिसती जाएगी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।